आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहिन रज़ा और आप लोग देख रहे हैं वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन, जीडीपी के सॉल्यूशन और क्विज़ के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। दोस्तों, मैंने दो नए चैनल शुरू किए हैं जिसमें 24/7 टीचर्स ऑनलाइन है, जिसके ऊपर मेरे अपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर रिकॉर्ड करके मैंने वहाँ पे रखे हैं, तो आप उनसे भी ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और दूसरा जो है वो की टू सक्सेस है, जिसके ऊपर मैंने अपने आपकी तैयारी के लिए मिड टर्म के और फाइनल टर्म के हवाले से रखे हैं। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आप जो है अच्छे नंबरों से कोई भी सब्जेक्ट जो है वो पास कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जैसे आपने मुझे वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में प्रमोट किया तो आप इन दोनों चैनल्स के ऊपर भी जाएं, इनको ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल के आइकन पर भी क्लिक करें और इन पर जो वीडियोस या लेक्चर्स अवेलेबल हैं इनसे फ़ायदा उठाएं। इनके जो URL हैं या जो लिंक है वो मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ऐड कर दिए हैं, तो आप आसानी के साथ उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो की। आज की जो वीडियो है वो CS507 की जो हमारी असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई है इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्प्रिंग 2020 की, उस हवाले से है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि जब तक आपको किसी भी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स की समझ नहीं आएगी उस वक्त तक आप उस असाइनमेंट को सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें अब हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन है और इसमें आपको दो जो है जुज़ दिए गए हैं। उसमें पहला जो है ए पार्ट वो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, कि हर जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी जो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं दीज आर वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। Your task is to identify at least 2 famous Pakistani organization। हमने क्या करना है, हमने बताना है 2 famous Pakistani organization and their category based on 5 और उनकी category बतानी है 5 के हवाले से for each of the following factor। नीचे जो factor दिए गए हैं इस हवाले से, इसमें आपके पास manufacturing factor है, इसमें आपके पास service factor है और last one is the trading factor। और इसके बाद फिर आपने बी पार्ट के अंदर क्या करना है, इन लिस्ट एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्टिव इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट फॉर ईच ऑफ द अबव फैक्टर। और फिर आपने हर फैक्टर के अंदर जो कंपनीज बनाई हैं उनकी 2-2 इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स लिखनी है, लेकिन वो डिस्टिंक्टिव होनी चाहिए। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, e.g. इंटरनल सोर्सेज हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। फॉलोइंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर यूज्ड बाय न्यूली डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। और ये जो इंफॉर्मेशन के सोर्स हैं इसको डिसीजन मेकिंग पर्पस के अंदर यूज किया जाता है। You are required to indicate the type as internal as external source of information from the given list। हमने दी हुई लिस्ट में से ये बताना है कि कौन सा सोर्स जो है वो हमारा इंटरनल है और कौन सा एक्सटर्नल है। एंड हाउ would you know that information for the source is ideal for decision making, और कैसे वो आपकी decision making के लिए हेल्पफुल है। नीचे आपको वो लिस्ट फराहम की गई है, इसमें भी आपके पास जो है वो 7 जो है अब लाइन्स हैं। अ सर्वे कंडक्टेड बाय HR डिपार्टमेंट फॉर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, अ सर्वे कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट कंसल्टिंग फर्म फॉर सैलरी रैंकिंग बाय प्रोफेशन, फाइनेंशियल एफर्ट कंसॉलिडेशन रिपोर्ट है, ISO क्वालिटी स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू हैंडल द एक्सटर्नल इश्यूज हैं और KSE स्टॉक स्टेटस, मार्केट स्टेटस और लोकल लेबर लॉ। ये हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये हैं हमारी इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट। जब आपको रिक्वायरमेंट अच्छे से समझ आ जाएंगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपने करना क्या है। बढ़ते हैं जी इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं, जिसमें हमें बताया गया है कि हमने ईच फैक्टर से जो है दो फेमस पाकिस्तानी कंपनीज के बारे में बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्क्राइब यू द मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर कि मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर के अंदर होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर के अंदर सबसे पहले जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है वो रॉ मटेरियल परचेज करती है, देन दे विल कन्वर्ट दिस रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड, फिर वो उसको फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करती है। अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमने दो कंपनीज के बारे में बताना है। हम सबसे पहली जो कंपनी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है दैट इज नोन एज एग्री ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एक मशहूर कंपनी है और ये करती क्या है, द कंपनी इज वन ऑफ द लीडिंग ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चर इन प्राइवेट सेक्टर and the first company in Pakistan to acquire TF 16949 certification। और ये वाहिद कंपनी है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स बनती हैं उनके कंपोनेंट तैयार करती है और प्राइवेट कंपनी है, और ये पहली वाहिद कंपनी है जिसको ये सर्टिफिकेशन एजाज मिला। इसके बाद दोस्तों जो आपकी सेकंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो आपको नजर आ रही है फिरोज एंड सन्स लेबोरेटरीज लिमिटेड, दैट इज मोस्ट फेमस कंपनी इन आवर पाकिस्तान, और ये आई थिंक लाहौर की है। इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इट प्रोड्यूस टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप्स, सस्पेंशंस, क्रीम्स एंड बहुत सारी और जो प्रोडक्ट हैं आपकी मेडिसिन्स हैं वो प्रोड्यूस करती है। और ये दो कंपनीज ऐसी हैं ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेट करती हैं और आपकी फेमस कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो हमारे पास सेक्टर था वो सर्विस सेक्टर था। सर्विस सेक्टर इंक्लूड ऐसी कंपनीज जो आपकी सर्विस प्रोवाइडिंग है, सर्विस देती हैं, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर नहीं आती। मैन्युफैक्चरिंग का मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वो कौन सी कंपनीज होती हैं। अब सर्विस सेक्टर के अंदर जो पहली कंपनी आपको नजर आ रही है वो है बैलेंस कार्गो कंपनी सर्विस पाकिस्तान। अब ये एक कार्गो कंपनी है, ये करती क्या है, बैलेंस इंटरनेशनल कार्गो सर्विस प्रोवाइड्स itself on offering unfailing, committed and attentive service to all of our customer। कि वो पाकिस्तान के अंदर आपने कहीं पर भी कोई चीज कार्गो करनी है, भिजवानी है, तो आप इस कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कंपनी जो है विद दी एफिशिएंसी एंड अनफेलिंग अटेंटिव सर्विस जो है वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है, और ये भी पाकिस्तान की एक फेमस कंपनी है। इसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो फ्रेंड्स सीसीटीवी सर्विसेज वाले हैं। अब फ्रेंड्स सीसीटीवी सर्विसेज ये नाम से ही जाहिर है, फाउंडेड इन 2008, फ्रेंड्स सीसीटीवी सर्विसेज सिस्टम स्पेशलिस्ट इन डिजाइनिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मेंटेनेंस हाई क्वालिटी सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एंड होम कंट्रीज आवर सर्विस इंक्लूड। अब यहाँ पे जो है फ्रेंड्स सीसीटीवी सर्विसेज वाले जो हैं वो बेसिकली आपकी सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, आपके वो ऑफिसेज के अंदर हों, आपके वो घरों के अंदर हों। वो ना सिर्फ उसको डिजाइन करते हैं बल्कि इंस्टॉल भी करते हैं और उसको प्रॉपरली मेंटेन भी करते हैं। तो ये दो कंपनीज हैं आपकी सर्विस सेक्टर से, पाकिस्तान की फेमस कंपनीज हैं और ये आपकी सर्विस सेक्टर के अंदर आती हैं। इसके बाद लास्ट में था हमारे पास ट्रेडिंग सेक्टर। अब ट्रेडिंग सेक्टर के अंदर ट्रेडिंग में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैन्युफैक्चरिंग है वो तो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव परचेज सम मटेरियल देन कन्वर्ट दिस raw material into the finished goods। On the other hand, if we are talking about the trading concern के अंदर you are purchasing the ready-made goods and sold to the customer। इसके अंदर आप बनी बनाई चीजें लेते हैं और अपने कस्टमर को सेल कर देते हैं। अब ट्रेडिंग सेक्टर के अंदर सबसे जो पहली कंपनी है वो शेख कंबाइंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है। ये कंपनी जो है बेसिकली डील करती है टेक्सटाइल को, मतलब कपड़ा जो है वो बना बनाया खरीद करके और फिर आगे उसको फरोख्त करती है। इसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो यामाहा मोटर्स पाकिस्तान है। यामाहा मोटर्स से आई थिंक आप सब लोग फेमिलियर होंगे, इट्स मोस्ट पॉपुलर मोटर बाइक कंपनी इन पाकिस्तान, और बहुत अच्छी मोटर बाइक्स जो हैं वो इनके पास होती हैं। तो यामाहा जो है वो आपकी मोटर बाइक, ये बनी बनाई जो है मोटर बाइक्स लेके उनको जो है वो अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो ये दोस्तों आपने हर सेक्टर के हवाले से दो दो कंपनीज का बताना था और ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद आपका जो पार्ट बी था, अब बी पार्ट के अंदर आपने क्या बताना था, बी पार्ट के अंदर आपने बताना था कि जो आपने ऊपर कंपनी सिलेक्ट की हैं ठीक है, उसमें आपने उनकी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताना है। अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर हमने एग्री ऑटो इंडस्ट्रीज सेलेक्ट की थी। इसमें देखें आपको जो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स हैं इस कंपनी की वो मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग है। इन्हें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो उनके मटेरियल की प्लानिंग कर सके। एंड द सेकंड वन इज द एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम जो उनके डिसीजन मेकिंग के अंदर उनकी हेल्प कर सके। तो ये दो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट हैं इस कंपनी की। इसके बाद आपकी जो सेकंड कंपनी थी वो फिरोज एंड सन्स थी। तो इसमें इनको ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम चाहिए क्योंकि दे आर डीलिंग द फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन। तो इनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो नंबर लाखों की तादाद में होती हैं बल्कि करोड़ों की तादाद में होती हैं। तो इनको एक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम चाहिए और इस कंपनी की ये रिक्वायरमेंट्स भी हैं। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग भी चाहिए इन लोगों को अपनी मुख्तलिफ चीज़ों को मैनेज करने के लिए, प्लान करने के लिए कि कब उनकी प्रोडक्शन होगी, इनका जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसकी प्लानिंग के लिए। तो ये दो रिक्वायरमेंट होंगी इस कंपनी की मोस्टली सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे मैंने जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स लिख दी हैं, तो आपने इनको जो है वो एक्सप्लेन भी करना है थोड़ा सा कि कैसे ये एक कंपनी की जो है इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स बनती हैं। इसके बाद सेकंड जो है कंपनी वो सर्विस सेक्टर की थी। उसमें हमने बैलेंस कार्गो के बारे में पढ़ा। इस कंपनी को भी रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत है और डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम एक अच्छा जिसके अंदर टाइम का पता चल सके कि कहाँ से चीज़ डिलीवर हुई और कहाँ पर जो है वो शिप होनी है और कौन बंदा रिसीव कर रहा है, कौन आगे डिलीवर कर रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसके अंदर होनी चाहिए। और ये इस कंपनी की इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं क्योंकि वी आर स्टडिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम, हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद सेकंड जो था वो फ्रेंड सीसीटीवी वाले थे और इसमें हमें कस्टमर मैनेजमेंट क्योंकि ये जो है सर्विसेज प्रोवाइड करें और कस्टमर सर्विसेज के हवाले से दो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट हैं फ्रेंड्स सीसीटीवी सर्विसेज वालों की। इसके बाद आखिरी जो था वो हमारे पास ट्रेडिंग सेक्टर था। इसकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट हैं। इसमें पहली कंपनी शेख कंबाइंड इंडस्ट्रीज़ के लिए वो स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम के वो बनी बनाई चीज़ें लेते हैं और उसको आगे फरोख्त करते हैं। तो उनको लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है दैट इज स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए उनके पास। फिर कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके बाद अगली जो थी कंपनी वो हमारे पास यामाहा मोटर्स थी। इसमें सप्लायर्स मैनेजमेंट सिस्टम और अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम का लिखा है मैंने। तो ये जो है मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं ऑन ऑफ दीज कंपनीज विच आई हैव सेलेक्टेड इन पार्ट ए, जो हमने पार्ट ए के अंदर जो है वो सिलेक्ट की हैं। दोस्तों इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाता है। इसके बाद जो है इसको आप जो है चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है क्योंकि हर बंदे ने जो है वो यही कंपनीज उठा के और पेस्ट कर देनी है। मेरा जो मकसद है बेसिकली इज टू प्रोवाइड यू एन आइडिया कि आपको आइडिया दे सकूं कि आपने कैसे असाइनमेंट सॉल्व करनी है, नॉट प्रोवाइडिंग द कंप्लीट सोल्यूशन। बहुत सारे बच्चों को मैं देता भी हूँ लेकिन वो उनसे फिर ऐसे होता है कि मैं चार्ज करता हूँ, लेकिन ये सिर्फ आपको जो है आइडिया देने के लिए है, तो आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन से हमें पूछा गया था कि हमें कुछ जो है वो लिस्ट दी गई थी और हमसे पूछा गया था कि ये जो है वो इंटरनल हैं या एक्सटर्नल सोर्सेज हैं और साथ ही हम लोगों ने ये भी बताना था कि ये कैसे आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पहली स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है, अ सर्वे कंडक्टेड बाय एचआर डिपार्टमेंट फॉर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। दिस इंफॉर्मेशन इज आई थिंक इंटरनल सोर्स है और इसको हम यूज कर सकते हैं जब हमें पता होगा कि आवर एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्यों सेटिस्फाइड नहीं है, उनका कोई सैलरी का इशू है। अगर सैलरी का इशू है तो हम सैलरी जो है वो इंक्रीज कर देंगे। तो ये इस तरीके से हम अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। मैंने जो है आपको पहली जो स्टेटमेंट है उसके हवाले से बता दिया है। आगे जो है सिर्फ मैं आपको इंटरनल या एक्सटर्नल बता रहा हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों ने खुद देखना है कि ये इस इंफॉर्मेशन को आप आगे कैसे यूज कर सकते हो। सेकेंड स्टेटमेंट है जी, अ सर्वे इज कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट कंसल्टिंग फर्म फॉर सैलरी रैंकिंग एंड प्रोफेशन। ये आपकी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसके बाद फाइनेंशियल एसेट्स कंसोलिडेशन रिपोर्ट है, ये आपकी इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसके बाद ISO क्वालिटी स्टैंडर्ड है, ये आपकी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू हैंडल द एक्सटर्नल इश्यूज, ये भी आपके इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसके बाद KFE स्टॉक अप स्टेटस मार्केट स्टेटस, ये आपकी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। और लास्ट में आपकी लोकल लेबर लॉज हैं, ये भी आपकी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। जरूरी नहीं है कि आप इस बात से इतफाक करें जो मैंने आपको बताया है उससे, तो इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि अगर मैंने कोई चीज़ गलत बताई है, उसका एक्सटर्नल बता दिया तो वो, लेकिन वो इंटरनल के अंदर फॉल करती है, तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, बजाय इसके कि मुझे कमेंट करें कि सर आपने ये गलती कर दी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए होती हैं। दोस्तों, ये थी हमारी असाइनमेंट CS507 की इंफॉर्मेशन सिस्टम की। तो आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस करना है और फिर आपने उसका सोल्यूशन बनाना है। दोस्तों, आखिर में मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा कि 24/7 टीचर्स ऑनलाइन के ऊपर और की टू सक्सेस के ऊपर जाइए, वहाँ पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के हवाले से लेक्चर्स मिलेंगे और इम्तिहान की तैयारी के लिए मटेरियल अवेलेबल है, वो दस्तयाब है। तो आप उन चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी असाइनमेंट सोल्यूशन के साथ या GDB सोल्यूशन के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।